हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MDKS अंसारी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो 48 प्लेयर्स जो साउथ एशियन गेम्स के लिए कैंडिडेट बने हैं इंडिया टीम के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करते हैं जो मेन कबड्डी के 48 प्लेयर्स है जो कैंपेन ज्वाइन करेंगे 5 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक उसमें रहेंगे, जिसमें से 12 प्लेयर सिलेक्ट होके उस टीम के हिस्सा रहने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, साउथ एशियन गेम्स में मैंने आपको बताया था कि कौन से टीम्स रह सकती है, शेड्यूल रह सकती है। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। दोस्तों उस वीडियो को भी जाके देख लेना। दोस्तों अभी सबसे पहले बात करते हैं, तो पिछले हुआ था कबड्डी नेशनल जिसमें बहुत सारे टीम डिवाइड हुए थे, लेकिन वहां पे ऑक्शन नहीं हुआ था। तभी भी उस ऑक्शन में क्या हुआ था दोस्तों, जो पिछले साल का जो टूर्नामेंट था उसमें जो प्लेयर जो सिटी से बिलोंग करते थे उसी टीम में हिस्सा रहे वो। दोस्तों इसी तरह इस मैच में भी यही हो रहा है। दोस्तों जैसे कि कबड्डी नेशनल में आपने एक इंडियन रेलवे सर्विसेज टीम को देखा होगा, उसमें जो इंडियन रेलवे सर्विसेज थे उनको छोड़ के अलावा बाकी सब जैसे यूपी टीम हो गई, तो यूपी टीम में राहुल चौधरी थे, जैसे कि राहुल चौधरी यूपी से बिलोंग करते तो वही यूपी में थे। दोस्तों सबसे पहले अब बात करते हैं प्लेयर की लिस्ट की, तो साउथ एशियन गेम में भी यही होने वाला है। दोस्तों जो प्लेयर जिस जगह से बिलोंग करेगा उसी कैंडिडेट से जाएगा इंडिया टीम के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए अब हम सीधा बात करते हैं 48 प्लेयर की लिस्ट की। तो 48 प्लेयर लिस्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्लेयर में आते हैं दोस्तों लिस्ट में, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। तो इंडियन रेलवेज में सबसे पहले आते हैं दोस्तों रविंदर पहल, फिर दूसरे प्लेयर आते हैं पवन कुमार, फिर दोस्तों तीसरे प्लेयर में आते हैं सुनील कुमार, फिर दोस्तों आते हैं चौथे प्लेयर में प्रवेश बी, फिर दोस्तों आते हैं पांचवे प्लेयर में श्रीकांत यादव, फिर दोस्तों आखिरी छठवे प्लेयर में आते हैं विकास कंडोला। दोस्तों अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, तो अगले ग्रुप है दोस्तों सर्विसेज की। तो सर्विसेज में सबसे पहले प्लेयर आते हैं दोस्तों नितेश कुमार, फिर दोस्तों आते हैं मोनू गोयत, फिर दोस्तों आते हैं नीरज कुमार, फिर दोस्तों आते हैं नवीन कुमार, फिर दोस्तों आते हैं महेंद्र सिंह, फिर दोस्तों आते हैं जयदीप। दोस्तों सर्विसेज ग्रुप में टोटल 6 प्लेयर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले ग्रुप की, तो अगले ग्रुप महाराष्ट्र की है। दोस्तों अब महाराष्ट्र में टोटल 5 प्लेयर्स है। 5 प्लेयर में सबसे पहले दोस्तों आते हैं तुषार पाटिल, फिर दोस्तों आते हैं विकास काले, फिर दोस्तों आते रिशंग देवादिगा, फिर दोस्तों आते विशाल माने, फिर दोस्तों आते गिरीश एनाक। दोस्तों ये तो रहे महाराष्ट्र के 5 प्लेयर्स। अब आते दोस्तों हरियाणा में आते कुल 4 बंदे। दोस्तों 4 बंदे में सबसे पहले दोस्तों आते प्रदीप नरवाल, फिर दोस्तों आते संदीप नरवाल, फिर दोस्तों आते अमित हुड्डा, फिर आते दोस्तों सुरेंद्र नारा। अब बात करते हैं अगली ग्रुप की, तो अगली ग्रुप में आती है दोस्तों यूपी योद्धा में टोटल 3 प्लेयर है। 3 प्लेयर में दोस्तों सबसे पहले आते हैं राहुल चौधरी, फिर आते हैं नितिन तोमर और अनिरुद्धा। दोस्तों अब बात करते हैं अगली ग्रुप की, तो अगली ग्रुप में आते हैं दोस्तों कर्नाटक में टोटल 4 प्लेयर है, जो सबसे पहले आते हैं प्रशांत राय, फिर दोस्तों आते हैं के प्रपंजन, फिर दोस्तों आते हैं सचिन विथल्ला, फिर दोस्तों आते हैं दर्शन जे। अब दोस्तों बात करते हैं अगली ग्रुप की, तो अगले ग्रुप में आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 प्लेयर है, जो सबसे पहले आते हैं बलदेव सिंह, फिर दोस्तों आते हैं विशाल भारद्वाज, फिर दोस्तों आते हैं सुरेंद्र सिंह। दोस्तों अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, तो अगले ग्रुप में आते हैं दोस्तों बिहार में सिर्फ टोटल 2 प्लेयर है, जो पहले आते हैं नवीन, फिर दोस्तों आते हैं परवीन, फिर दोस्तों बात करते हैं अगले ग्रुप में, तो अगले ग्रुप में आते हैं राजस्थान में टोटल 3 प्लेयर है, जो सबसे पहले आते हैं कमल किशोर चार, फिर दोस्तों आते दीपक हुड्डा, फिर दोस्तों आते सचिन तनवर। दोस्तों अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, तो अगले ग्रुप में आती है दोस्तों दिल्ली में टोटल 2 प्लेयर है, जो है दर्शन और अमित नगार। दोस्तों अब बात करते हैं अगली ग्रुप की, तो अगले ग्रुप में आती है दोस्तों उत्तराखंड से सिर्फ 1 ही जन है, जो है अर्जुन देसवाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से भी सिर्फ 1 है, जो है अतुल MS। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले में गुजरात आता है, गुजरात से भी सिर्फ 1 है, जो है पंड्या किशन कुमार। फिर दोस्तों आते हैं पौंडीचेरी से है व्यासमणि, फिर दोस्तों आते केरला से दोस्तों अतुल MS, और मध्य प्रदेश से यशवंत यादव, फिर दोस्तों आते तेलंगाना से पल्ले मल्लिकार्जुन, फिर दोस्तों आते चंडीगढ़ से सुमित, फिर दोस्तों आते हैं तमिलनाडु से संतपल सेवनर, फिर दोस्तों पंजाब से जस
जसनदीप, फिर दोस्तों आते हैं आंध्र प्रदेश से मूला रेड्डी। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया टोटल 48 प्लेयर्स जो इंडिया के कैंडिडेट में बन सकते हैं, इसमें से सिर्फ 12 प्लेयर सिलेक्ट होते। तो देखते हैं दोस्तों 12 प्लेयर कौन सिलेक्ट होते हैं। दोस्तों फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। ऐसी कबड्डी के रिलेटेड वीडियो आपको और जिस चैनल पर मिलते रहेगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।